नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पे सिंडे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कभी कभी बड़े बड़े ग्रैंड मास्टरों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बाद उन्हें बहुत जल्दी मैच में हार मानना पड़ती है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ जब भारत के ग्रैंड मास्टर आदिबन भास्कर ने चेक गणराज्य के डेविड नवारा को, जिनकी रेटिंग जो है 2700 के ऊपर रही है काफ़ी लंबे समय तक, उनको मात्र 9 चालों में हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। तो दरअसल ऐसा क्या हुआ बोर्ड पर? भले ही कोई ग्रैंड मास्टर मैच हारे, पर रीज़न जो है वो कुछ ना कुछ होता है, कारण कुछ ना कुछ होता है। तो क्या राज था आदिबन की जीत का, आज जो है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आदिबन जो है वो सफ़ेद मोरों से मुकाबला खेल रहे थे और उन्होंने B3 से शुरुआत करी। B3 आप सभी जानते हैं कि आदिबन की आजकल फेवरेट ओपनिंग है। उन्होंने कोर्स भी बनाए हुए हैं इसके ऊपर, इसको पढ़ाते हुए कि B3 करके कैसे खेला जा सकता है। तो B3 क्या है? B3 जैसे ही बोर्ड पर आता है उसका सीधा सा पर्पस तो बिल्कुल साफ है कि ये जगह खाली की गई है इस ऊँट के लिए, और इसका मतलब है कि ये वाला जो डायगनल है ये वाइट के लिए, सफ़ेद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो ऐसे में अलग अलग चालें हैं काले की तरफ से, लेकिन D5 जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर खेला जाता है। रीजन साफ है कि भाई अगर आप यहाँ पर अपना ऊँट रखने वाले हैं तो इस डायगनल को हम जितना हो सकता है बंद रखने की कोशिश करेंगे। यही है काले की स्ट्रैटजी, जो उनकी रणनीति। बिशप B2, सो यहाँ पर Nc6 खेला डेविड नवारा ने। तो अब आदिबन खेलते हैं C4। अब इसके साथ ही आपने क्या हुआ कि सेंटर भी गेन कर लिया है, और एक प्रकार से ये जो बिशप है, अब आपने ये इस बिशप के आसपास जो है वो सफ़ेद की रणनीति यहाँ पर चलने वाली है। ओके, Nf6 खेला, अब Nf3 खेलते हैं आदिबन भास्कर। यहाँ पर जो और जो मूव्स खेली गई हैं वो है E3 का दरअसल आइडिया ये है कि भाई जो आपने ये सेंटर बिल्ड करने की कोशिश की है, हम इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आदिबन जो है वो Nf3 एक मूव खेलते हैं। उसका रीज़न भी साफ है कि अगली चाल में वाइट ब्लैक जो है वो एक एडवांटेज लेने की कोशिश करता है कि एक टेम्पो गेन हो रहा है। मतलब टेम्पो इसी को कहते हैं जब आप किसी मोहरे पर ऐसा अटैक करते हैं पॉन से या कुछ भी ऐसा अटैक कि वहाँ पर उसको फोर्स हटना पड़ता है, वहाँ पर वो मन की चाल नहीं चल सकता, तो उसको वहाँ पर एक पर्टिकुलर पीस चलना पड़ेगा। कई लोग टेम्पो के बारे में पूछते हैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को तो पता है। तो यहाँ पर अब जो जवाब देते हैं आदिबन भास्कर, वो खेलते हैं Nd4। तो नेक्स्ट मूव आती है Bc5, और एक प्रकार से फिर से टेम्पो गेन हो रहा है किसको, ब्लैक को, क्योंकि एक बार फिर घोड़े पर हमला है और उसको बचाने की ज़रूरत है। तो आदिबन जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड गेम चाहते हैं, और वहाँ पर वो अपनी रणनीति कहते हैं। उन्होंने घोड़े को जो है F5 पर रख दिया। घोड़ा F5 पर है और किसी का सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ ये घोड़ा G7 के स्क्वायर पर आक्रमण कर रहा है, और इसका मतलब है कि ये जो डायगनल है वो थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है। कैसल किया ब्लैक ने, बिल्कुल सही चाल है और यही खेलने का सही तरीका है। अब यहाँ पर आदिबन जो है फाइनली E3 करते हैं। अब ये E3 जो है दरअसल इस क्वीन को खोला गया है मेन उद्देश्य, साथ ही साथ इस बिशप को, और फिर कैसल भी करने की तैयारी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि वाइट क्या खेलता है, सॉरी ब्लैक क्या खेलता है। ब्लैक खेलता है D5 डेविड नवारा। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मूव है क्योंकि उनके ऑलमोस्ट सब हो चुका है, उनको अपना ऊँट भी निकालना है, इस घोड़े पर अटैक करते हुए निकालना है। यहाँ पर आदिबन मारते हैं C×D5। अब ये जो मूव है ये डेविड नवारा से जो है बहुत बड़ी यहाँ पर गलती होगी। डेविड नवारा के पास अलग अलग चालें थी, वो Nb4 खेल सकते थे, बाद में रिटर्न में पॉन मार लेते, Ng3 पीछे हटना पड़ता क्योंकि नाइट मर रहा था, और उसके बाद फिर पॉन मार लेते। दूसरा, उस डायरेक्ट बिशप से जो है यहाँ पर घोड़े को मार देते, और जब आप एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर, मतलब Dc6 मारेंगे, अब ये B6 करेगा या वो Bc6 मारेगा, तो थोड़ा सा ब्लैक को शायद अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पोजीशन ख़राब थी। लेकिन डेविड नवारा ने यहाँ पे चाल चुनी Nd5, और इसके बाद क्या हुआ, उनसे हो गई एक बहुत बड़ी गलती। अब मैंने, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आपको चेस कोर्स कराया था 21 डेज जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, उसके अलावा भी हमने चेस कोर्स किया था, दो बार किया था, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था राजा की वीकनेस से रिलेटेड, और अगर आपको उसमें याद हो कि कहते हैं कि अगर दो माइनर पीसेस और साथ में वजीर मिल जाए तो सामने वाले के राजा की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाती है, और ख़ासतौर पे तब जब उसका कोई भी माइनर पीस, उसकी यहाँ पर कम से कम अगर घोड़ा होता या और भी कोई पीस होता है तो राजा थोड़ा सिक्योर रहता है। लेकिन यहाँ पर उनकी अब्सेंस है, मतलब उनकी कमी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, और इसी की वजह से जो डेविड नवारा से चाल मिस हुई। यहाँ पर आदिबन भास्कर ने खेला Qg4, और यहाँ पर बहुत सोचने के बाद रिज़ाइन कर दिया डेविड नवारा ने। मुझे लगता है आपको पता होगा, नहीं पता हो तो पॉज कर दीजिएगा वीडियो और सोचिएगा कि कैसे आप मात कर सकते हैं। फोर्स मेट है जो यहाँ पर वो होने वाली है। यहाँ पर देखिए, अगर ये वो यहाँ पर G6 करके मेट बचाते हैं तो Nh6 से चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि ये बिशप जो है फाइनली अपना काम कर देगा इस घोड़े की मदद से।
अगर वो क्वीन f6 आते हैं तो बिशप इनटू f6 आ जाएगा, नाइट इनटू f6 पे क्वीन इनटू g7 आ जाएगा, बिशप इनटू f5 आते हैं तो भी क्वीन इनटू g7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मात बचना जो है वो संभव ही नहीं था, और इसीलिए डेविड नवारा ने क्वीन g4 के बाद रिजाइन कर दिया। तो राज क्या था, राज ये था कि डेविड नवारा ने जो है एक तो आदिवन भास्करन के इस बिशप के पावर को अंडरस्टिमेट किया, मतलब कि कम समझा, दूसरा इस घोड़े की जो पोजीशनिंग थी इस g7 स्क्वायर के आसपास वो भी मिस की, और फिर तीसरा जो है तो मतलब दो माइनर पीस और एक मेजर पीस किंग के पास एकदम से आया, और आपके पास जो है वहाँ पर डिफेंस करने के लिए एक भी माइनर पीस नहीं था। तो ये जो राजा को अकेला छोड़ना है दोस्तों, बहुत सोच समझ के छोड़ा करिए, और अगर राजा को अकेला छोड़ रहे हैं तो देख लें कि सामने वाला कहीं एकदम से आपके ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो आदिवन भास्करन की ये थी 9 चालों में शानदार जीत। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। देखते रहिए चेसपीस इंडिया, चेसपीस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसपीस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसपीस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसपीस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।